हे एवरीवन, इट्स मी हमसे एंड यू आर वॉचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल बडीज। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BTS प्ले गेम ऑफ जेंटलमैन बाय क्यूट लाइफ। तो देखते हैं आज किस तरह से रन BTS के एपिसोड को डब किया गया। बाकी कुछ सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट आई हुई थी BTS के, तो ऑफिशियल चैनल पे जो सॉन्ग होते हैं ना उसकी तो हमें टेंशन नहीं है। वो हमें पता है कि सिर्फ क्लेम आते हैं, कभी भी वो स्ट्राइक नहीं भेजते, कई बार तो क्लेम भी नहीं देते, लेकिन स्टिल हम कोशिश करते हैं कि उस पर किसी भी किस्म का अपने तरफ से एडवर्टाइजमेंट उस पर ना लगाएं। लेकिन कुछ होते हैं वो चैनल डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए मैंने होल्ड पर रखा हुआ है जब तक मुझे परमिशन नहीं मिलती उनकी। तो आइए गेम ऑफ जेंटलमैन देखते हैं। 3-2-1 एंड नमस्ते। गर्लफ्रेंड तो 36 आएगी, 36 जाएगी, मेरी वाली मम्मी लाएगी। तेरी वाली तो मम्मी भी नहीं ला पाएगी। तो आज का पहला गेम है ये, किसी को पढ़ना आता है? जगलिंग करो, ले सूख ले डंबल, उठा बॉडी बना, उठा के दिखा, देखो तेरा उठता है कि नहीं। ये लो, एक हाथ से उठा, ये देखो। अरे सुसुरी, इतनी बारीक किसी ने देखा तो नहीं बाबू? ऐसे ही करते हैं। ए शोफ मत मार दादा, मेरी एक गेंद गुम हो गई दोस्तों। जीनू, तुम्हें आंसर देना होगा तो तुम बनोगी हाथी। अरे यार, अब तो हाथी भी वर्ल्ड वाइड हैंडसम हो जाएगा। ए पिंक बुड्ढी वाल वाले, ये ले, तुझे पुशअप मारने होंगे, फिर आंसर बताना। गेम खेलने से पहले पनिशमेंट डिसाइड करनी बहुत जरूरी है, उसी में तो मजा आता है। जो भी आज का गेम हारेगा वो ये सारे गेम खेलेगा, जैसे कि ये डंबल उठाने वाला, ये सर फोड़ने वाला, सारे गेम दिखा, वो भी तब तक जब तक कि वो सारे गेम जीत ना जाए। ठीक है, हां ठीक है, हम समझ गए, चलो गेम शुरू करते हैं। पहला गेम है गाना पहचानो और उस पे नाचो। कोको सीन, अच्छा ओके, अब मुझे समझ में आ गया। खिड़की पे कोई खड़ा है, लैला कट्टा का बीड़ा है। सही, तो इन एक्चुअल के-पॉप सॉन्ग्स और डांस के स्टेप्स करने हैं और इन्होंने उसको बॉलीवुड पे कर दिया। क्या बात है जनाब, आपके दिमाग को क्या बात है भाई, जे हो इस बार मैं बताऊंगा,
ये गाना है रणवीर जी का धड़क मड़क पड़क और ये है डांस स्टेप। बजने दे धड़क मड़क ढोल चार धड़क मड़क झंडाला चिड़क मिड़क बल्लेहारी। अरे इससे गंदा डांस मैंने नहीं देखा। अबे तेरी तो सेम चीज हमारी गली में आके बोल सूट देंगे तेरे को लाठी डंडों से। कोई मेरा हॉकी लाओ रे तेल लगा के। मेरा ढोलक ऐसे होता है थोड़ा अजीब है बैंग बैंग। चमकू जैसे जुगनू यार कभी कभी लगता है बादशाह जो रैप करते हैं डिफरेंट लेवल से उठा ले। नामजद करके दिखाएगा। नो ऑफेंस। ढोली ताना ढोल बाजे ढोल के ढम ढम बाजे ढोल। छोड़ा है नटखट ए बोली है पटपट बोले ऐसे बोल के ढम ढम बाजे ढोल। बहुत ही गंदा डांस किया है। हॉकी लाओ रे मेरी तेल लगा कर कहाँ है रे। हॉकी के साथ क्या ताल्लुक है? देखा डर गया मेरे से औकात में रहा कर। मेरा पलंग तैयार है उड़ने के लिए गाना चला। थोड़े बाल बाल सेट कर। अगला गाना है ये। ये कौन सा सॉन्ग है भाई? मुझे याद आ गया मुझे याद आ गया। अब देखिए नींबू नींबू गाना है ये छोटा नींबू बड़ा नींबू। अच्छा क्या बात है क्या बात है मजेदार एपिसोड है यार। शुगा भाई तुम इतनी क्यूट होगी तुम्हें जेल हो जानी चाहिए। वाह क्या बोला है बिल्कुल सही। और जेल का पुलिस मैं बनूंगा और वहां का हवलदार मैं बनूंगा। क्या फनी हंसी है यार। बकवास कर रहा है कीमती तो मैं हूँ। लड़कियों के दिलों का हीरो। ये है जीरो। मैं तो कुड़िया नहीं था गले के गले चल। के गले। आज के टाइम पहेली काला हूँ कलौटा हूँ लेकिन सबको हलवा पूरी खिलाता हूँ। बंदरों की तरह टूट पड़ते हो जीनू तुम बताओ। आंसर है कढ़ाई सही जवाब। पता ही था मैं रोज हलवा पूरी खाता हूँ ना। जरा हमें भी दे दिया था हलवा पूरी। मुझे सिर्फ कढ़ाई दे दिया करो चाट चाट के गोला कर दूंगा। अगली पहेली मेरे माइंड में भी यही आया था। मेरे पापा तो कुछ कहते नहीं सीधा मारते हैं घंटा। अगली पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जो लड़कियों को बहुत बहुत पसंद है? मैं बताऊंगा। गॉसिप करना। पकौड़ी समोसा गोलगप्पे। गलत जवाब। लड़कियों को पसंद है खुद की तारीफ। सही जवाब। लड़कियां पटाने में पीएचडी कर रखी है हमारे लौंडे ने। इतनी सारी लड़कियां ऐसे पट्टी कैसे हैं? क्योंकि मैं इतना सुंदर हूं मैं क्या करूं? यहां पे कौन है जिसे गाड़ी चलानी बिल्कुल नहीं आती है? वो है किम नामजून नाम है मेरा। सही जवाब। अरे वो नई लड़की कौन सी रखी हो तुम लोग यार सुंदर हो तुम। अरे वो तो लड़का है मेकअप लगा रखा है। मैं भी धोखा खा गया था। मैं तो डेट पे ले जाने वाला था। अच्छा है बता दिए। बताइए फोटो में क्या हो रहा है? आई थिंक छोटू की शादी हो रही है। क्या हो रहा है? छोटी सी दुल्हन भी बर्थडे सेलिब्रेशन। दुल्हन थोड़ी बड़ी नहीं लग रही है लड़के से। सही
ऐसा जवाब दे रही है। अरेबिक साइड है और दूसरा हिंदी वाला है। भाई हंस हंस के इस पूरे एपिसोड में मज़ा आ गया हमें। सही था यार, मतलब पहले मुझे लगता था शायद ये स्टोरी जो है ना मतलब टोटली डिफरेंट होती है, लेकिन आज हमने गौर किया कि नहीं भाई, जो एक्चुअल गेम चल रहा है ना उसी गेम को एक फ़नी अंदाज में, एक बॉलीवुड स्टाइल में जो है ना डब किया गया। तो हैट्स ऑफ टू यू गर्ल, छा गई भाई तू, मतलब मज़ा आ गया। तो इसलिए हमें जो है ना अक्सर ये फील होता था कि यार इसका डब कितना मैच करता है। तो इन एक्चुअली ओरिजिनल जो थी जो भी डायलॉग्स होंगे उन्हीं को हिंदी में एक फ़नी अंदाज में जो है ना दिखाया गया, तो मज़ा आ गया भाई देख के। और ये भी क्रिएटिविटी होती है, हर कोई नहीं कर सकता। और मतलब इतने सारे करेक्टर्स, इतने सारे डायलॉग्स, थम्स अप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कंटेंट सजेस्ट करते रहिए। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।